और चलिए अब रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां से हमारे ब्यूरो हेड दानिश वारसी हमारे साथ जुड़े हैं, जो लखनऊ की तमाम खबरें हम तक पहुंचाएंगे, साथ ही बताएंगे कि यूपी में आज किस तरह की सियासी हलचल होने वाली है। दानिश जी, आज उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो कितना अहम आज का दिन होगा, किस तरह के पॉलिटिकल मूवमेंट्स आज यहां पर देखे जा सकते हैं? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप कि उत्तर पॉलिटिकल ज्यादा है जिस तरीके से समाजवादी गठबंधन हुआ है, इस बात को लेकर काफी चुनौतियां हैं। अगर गठबंधन फेल हो जाता है तो अखिलेश यादव के आगे सबसे ज्यादा चुनौतियां रहेंगी। इसके साथ ही गठबंधन के बाद बीजेपी को भी कवर करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की बात समझ रही है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बाद अगर गठबंधन मजबूत हो गया और इसमें अगर मायावती बीएसपी शामिल हो गई तो भाजपा के लिए चुनौती हो जाएगी। लेकिन अगर ये गठबंधन फेल हो जाता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का सीटों को लेकर के, तो अखिलेश यादव के लिए चुनौती ज्यादा रहेगी। अब बात अगर की जाए उत्तर प्रदेश में मायावती यानी बीएसपी पार्टी की, तो बीएसपी पार्टी अगले महीने से प्रत्याशियों को लेकर के पार्टी के ऐलान कर सकती है। अभी मायावती के पास जो बीएसपी प्रमुख है उनके पास सूची भेजी गई है, उस पर मंथन चल रहा है। वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन करने के बाद बीएसपी अगली सूची अपनी सूची अगले महीने जारी कर सकती है। तीसरी खबर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर संयुक्त सचिव हैं सचिवालय के, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। 2 अगस्त 2022 में जांच के आदेश करप्शन को लेकर किए गए थे, उस पर जांच के बाद आज एफआईआर दर्ज की गई है। और उसके बाद लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ के अंदर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने चिन्हट के जोन 5 में पनपापो गांव में 6 रॉ हाउस को सीज कर दिया है। जानकीपुरम में भी 1 रॉ हाउस को सीज किया गया है। अब बात की जाए अगर अयोध्या को लेकर के, तो अयोध्या में भक्तों का जो दर्शन हुए वो 60 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। इसके साथ ही 25 करोड़ का दान अब तक प्राप्त हो चुका है और 25 किलो चांदी और 10 किलो सोना भी चढ़ावा मिल चुका है। तो ये कह सकता हूँ कि अयोध्या को लेकर के लगातार दर्शन भी हो रहे हैं, 60 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर चुके हैं। और बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश के अंदर जो सबसे बड़ी खबर लखनऊ की, वो ये खबर है कि बीपीसी को लेकर के मुख्य सचिव देवेंद्र चतुर्वेदी ने एक आदेश कर दिया है। वो आदेश ये है कि राज्य के जो कर्मचारी हैं अधिकारी हैं वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन देंगे, यानी मानव संपदा पोर्टल पर उनको अपनी संपत्ति की चल और अचल दोनों की जानकारी देनी है, जिसमें ये आदेश पिछले दिसंबर को हुआ था। और अब तक 50% कर्मचारियों अधिकारियों ने संपत्ति का ब्यौरा देना सही समझा। 50% अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने संपत्ति का ब्यौरा छुपाया है, जिसको लेकर के ये चैलेंज किया गया है, यानी कि एक चुनौती दी गई है कि अगर संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन अधिकारी या कर्मचारी नहीं दर्ज कराते हैं या ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी सूचना नहीं देते हैं तो उनकी जो प्रमोशन है वो रोक दिया जाएगा। मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार योगी सरकार है सबसे बड़ा जो आदेश हुआ है उस आदेश को लेकर के कहीं ना कहीं करप्शन पर लगाम लगाई जाएगी। लेकिन वो 50% कौन कौन से अधिकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा छुपाने की कोशिश की, ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि इस आदेश से अपने जो लोग पदोन्नति रुकवाने के कारण में अगर अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते तो क्या उन्हें अपनी प्रमोशन को लेकर के कोई चाहत नहीं, या वो अपनी संपत्ति को ज्यादा महत्व देंगे या प्रमोशन को महत्व देंगे, ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन इस आदेश से अधिकारियों कर्मचारियों में इस बात का हड़कंप मच गया है कि करप्शन को लेकर के अगर लगाम लगाई जा रही है और संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन दे रहे हैं तो कौन कौन सी चीजों का संपत्ति ब्यौरा देंगे, किस प्रकार से देंगे, कितना छुपाएंगे, कितना खुला करेंगे, ये बहुत से लेकर के सवाल है। ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर जो है वो इसी को लेकर गए कि डीपीसी पे रोक लग जाएगी अगर ऑनलाइन संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर नहीं दिया। इसके साथ ही जो आखिरी सबसे बड़ी खबर देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की, वो लखनऊ की यह है कि मंत्री और सांसद अब दलितों से संवाद करने के लिए उत्तर प्रदेश के गांव-गांव क्षेत्रों में पहुंचेंगे। दलित की साधने की जाएगी लोकसभा चुनाव को लेकर, जिसमें दलितों पर संवाद का कार्यक्रम चलेगा, जिसमें मंत्री और सांसद उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में जाकर दलितों के वोट साधने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल दानिश जी, और कहीं ना कहीं ये माना जाए तो दलितों को साधने की भी एक बार फिर से कोशिश इसके माध्यम से की जाएगी बड़े जनप्रतिनिधियों के द्वारा। वहीं यदि हम क्राइम ग्राफ की बात करें तो पिछले 24 घंटे में क्या कोई बड़ी घटना उत्तर प्रदेश में खासकर लखनऊ में दर्ज की गई है? देखिए लखनऊ में तो अभी फिलहाल जो घटना हुई जो पिछले हफ्ते हुई थी अभी तो फिलहाल ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं आ रही, लेकिन हाँ एक गाजियाबाद में जो घटना देखने को मिली थी जिसका वीडियो सोशल साइट पर वायरल हुआ था कि आगे आगे पुलिस पीछे एक वैन कार थी I-20 जो मैं देखना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो उसको पीछा कर रही है वो बैक गियर में डाल करके आरोपी फरार हो गए, उसको पुलिस अब तक तलाश नहीं पाई है। तो एक कह सकता हूँ कि PRB जो है बैक गियर में जो आरोपी थे वो बैक गियर में फिर गाड़ी को निकाल लेंगे और सामने से कार आ रही PRB नहीं कैच कर पाई, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर सवाल उठा है जो गाजियाबाद को लेकर जिसका चर्चाओं का वादा लगभग तक गर्म रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम खबरों पर जानकारी देने के लिए।